सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ फुटबॉल ग्राउंड। ये है जी फुटबॉल ग्राउंड, इतना प्यारा घर है दोस्तों, चेक करें। ये देखिए जी, कुआं भी बनाया हुआ है इन्होंने, यहाँ से पानी भी निकालते हैं जी, माशाल्लाह क्या बात है। इनके कितने प्यारे घर हैं। अब सारी बातें छोड़ें, घर देखें, इनकी दीवारें देखें, है किसी चीज़ का खौफ इन लोगों को? इस घर को देखें जी, घर के नीचे इन्होंने पड़ियाँ बनाई हुई हैं, कितना ज़बरदस्त सीन है, देखें कितना प्यारा घर है। ये क्या चर्च है, ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है चर्च। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज हम आपको इटली यूरोप की लाइफ दिखाने वाले हैं कि यहाँ पर समर के अंदर लोग कैसे किस तरह से इंजॉय करते हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी को सेलिब्रेट करते हैं। और समर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, कितना प्यारा कितना खूबसूरत मौसम है। और आप मेरे पीछे जो फुटबॉल की ग्राउंड देख रहे हैं, हम इस वक्त मौजूद हैं इटली के शहर चंतो कमजोरो, एक छोटा सा गाँव है वहाँ पर। तो आज हम आपको इस गाँव की सैर भी करवाएँगे और यहाँ पर इनकी सेहत के राज के बारे में आपको बताने वाले हैं कि भाई ये लोग यहाँ पर कैसे अपने आप को इतने खुशहाल इतने सेहतमंद रखते हैं और इनकी उम्रें 80-90 साल से नीचे नहीं जाती, उसके बाद जाके इनकी अमवात होती है। और इवन के ये लोग जो ये यूरोपियन लोग हैं, ये तो 40-50 साल के बाद जाके बच्चा करते हैं, अपना बेबी करते हैं, और फिर बच्चे भी इतने क्या कहते हैं हेल्थी पैदा होते हैं, तो क्या ही बात है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ फुटबॉल ग्राउंड। ये है जी फुटबॉल ग्राउंड, और इस फुटबॉल ग्राउंड की खासियत ये है कि आसपास के जितने भी गांव हैं वहाँ के बच्चे यहाँ आकर प्रैक्टिस करते हैं, क्लासेस लेते हैं पीटी के थ्रू। गवर्नमेंट की तरफ से पीटी दिया गया है जो यहाँ पर इनको क्लासेस देता है। बहुत प्यारी ग्राउंड है, अक्सर यहाँ पर बच्चे आए होते हैं और यहाँ पर बच्चे खेल रहे होते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त नज़ारा है। इवन के रात के टाइम भी लाइटों का सिस्टम भी यहाँ पर किया गया है, रात के वक्त भी यहाँ पर क्लासेस भी होती हैं, यहाँ पर कभी कभी मैचेस भी होते हैं। और ये साथ में एक इन्होंने बार टाइप बनाया हुआ है कि अगर आप बच्चे कुछ खाना चाहते हैं तो वो खा भी सकते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट गाँव की तरफ। सबसे पहले तो आप ये देखें जी, आगे एक बाप जा रहा है अपने बच्चे के साथ, इसने छोटे से अपने बच्चे को साथ गाड़ी लेके दी हुई है, छोटी सी गाड़ी है, उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जी देखिए यहाँ का माहौल कितना ज़बरदस्त है यार, ये आप साथ में फूल देखें, पत्ते देखें, दरख्त देखें, कितने ज़बरदस्त हैं। और ये बिल्कुल रोड है जी साथ पे। अक्सर जब हम रोड से गुज़रते हैं, मैं रोड से गुज़र रहा होता हूँ तो मैं ये चीज़ देख रहा होता हूँ। आज आप भी ये देख रहे हैं यहाँ की लाइफ के बारे में कि आप यूरोप के किसी भी रोड को देख लें, किसी भी गांव को देख लें, कहीं भी जहां से गाड़ियां गुजरती हैं, डस्ट होती है, धुआं होता है, ये सब कुछ होता है, तो वहां पर आपको ये साथ में जो क्यारियां नज़र आ रही हैं आपको, देखें ये अभी रोड के बाहर है, और ये देखें ये घर है, ये घर के अंदर है। ये देखें ये कह रहा है कि तुम इधर ना आओ, आगे निकलो। ये घर देखें कितना प्यारा घर है, देखें जी माशाल्लाह ज़बरदस्त, देखिए कितने प्यारे फूल लगाए हुए इन्होंने। ये देखें दोस्तों ये घर कितना प्यारा है, देखें हर घर के अंदर आपको सब्ज़ा ज़रूर नज़र आएगा। ये है इनकी सबसे बड़ी जो सेहत का राज, ये देखिए कितनी प्यारी क्यारी है, ये है इनका सबसे पहला सेहत का राज। ये वजह है जी जिस वजह से ये लोग बहुत टाइम तक ज़िंदा रहते हैं, सेहतमंद रहते हैं, बीमार नहीं होते और खुश अखलाक ज़िंदगी गुजारते हैं। ये देखें जी एक घर ये भी है, कितना प्यारा घर है दोस्तों, चेक करें। ये देखें जी कुआं भी बनाया हुआ है इन्होंने, यहाँ से पानी भी निकालते हैं जी, माशाल्लाह क्या बात है, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही प्यारा है। और ये देखें जी इस घर की दीवार देखें, ये आपको दीवार नज़र आ रही है, क्या आपको अपने पाकिस्तान के अंदर जो लोकल एरियाज़ हैं वहाँ पर ऐसे घर नज़र आते हैं? अब ये देखें कितना प्यारा घर है, देखें माशाल्लाह। और इसकी दीवार देखें, ये इतनी दीवार है कि जितना मैं आधा आधा हूँ कि मैं फलांग के अंदर भी जा सकता हूँ, बहुत ईजी है। ये गेट है जी इसका, ये देखें जी गेट है, साथ में ये बेल लगी हुई है, साथ में नंबर वगैरह है। ये देखें अंदर माशाल्लाह जी कितना ज़बरदस्त सीन है। इनके घर में भी कुआँ जी, हर घर में कुआं जी साइड पे। ये देखें वो पीछे इन्होंने फसलें उगाई हुई हैं, वहाँ पे फसलों वाला भी सिस्टम है। ये देखें जी फिर ये घर देखें, ये भी कितना प्यारा है, यहाँ पर भी पौधे हैं, क्या बात है जी ज़बरदस्त। तो देख लें भाई ये है जी इनकी कामयाबी का राज। आपको कोई भी ऐसा घर नज़र नहीं आएगा जिस घर के अंदर आपको देखने को
पौधे और दरख्त ना मिले तो फिर ये लोग कैसे बीमार होंगे। और ये घर देखें, इनके कितने प्यारे घर हैं। अब सारी बातें छोड़ें, घर देखें, इनकी दीवारें देखें। है किसी चीज़ का खौफ इन लोगों को? किसी भी बात का खौफ कि यार कोई चोर आ जाएगा, कोई डाकू आ जाएगा, कच्चे के डाकू आ जाएंगे, कुछ कर देंगे यहाँ आके? कुछ भी नहीं यार, कोई खौफ नहीं है। ये देखें, अब ये घर देखें कितना प्यारा है, माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा घर है, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। चाओ बोला सेरा। देखे जी क्या बात है, ये देखें इस घर में, ये बहुत ही प्यारा है। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा क्यारी सिस्टम किया हुआ है घर के अंदर। ये देखें ये कितना प्यारा घर है, बहुत ही प्यारा घर है माशाल्लाह। अच्छा ये देखें जी, घरों के साइड पे ना, एक साइड पे ये फैक्ट्री है, ठीक है, ये सारी फैक्ट्री है। अब ये घर भी है, साथ में फैक्ट्री भी है, और अंदर ये बंद फैक्ट्री है, तो निज़ाम अंदर भी चल रहा है यहाँ पे, साथ में घर में भी है। तो ये सारा सिस्टम देखें आप, कितना ज़बरदस्त चल रहा है, कितने अच्छे व्यूज़ हैं यार यहाँ पे। ये देखें जी, ये देखें इस घर को, देखें जी घर के नीचे इन्होंने पड़ियाँ बनाई हुई हैं, कितना ज़बरदस्त सीन है, देखें कितना प्यारा घर है, ज़बरदस्त यार। अच्छा दोस्तों, अभी हम एक दूसरी साइड के ऊपर आए हैं, मैं आपको इसलिए दिखाने के लिए लाया हूँ इस साइड पे। ये देखें पंप है, और पंप के साथ ये जहाँ से हम गुजर रहे हैं ना, यहाँ पर भी ये आप दरख्त और पौधे वगैरह चेक करें, क्यारी देखें कितनी प्यारी है, ठीक है। ये रोडों के ऊपर ये देखें इन्होंने फूल वगैरह लगाए हुए हैं। अभी इनको लगाने की वजह तो यही है ना कि यहाँ का जो माहौल है, आबो है, वो बेहतरीन हो जाए। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप कहीं भी किसी भी रोड को देख लें तो आपको यहाँ पे यही चीज़ें नज़र आएंगी, यही माहौल नज़र आएगा, और यही इस जगह की खूबसूरती है कि इसी वजह से लोग बीमार नहीं होते। हम यहाँ पर निकलते हैं बाहर घर से, तो आप ये देखें कितनी खुशगवार हवा यहाँ पर, कोई आपको डस्ट नज़र आ रही है रोड के ऊपर या हवा के अंदर आपको कुछ नज़र आ रहा है, गाड़ियाँ भी गुजर रही हैं। एक दिन के अंदर यहाँ सैकड़ों गाड़ियाँ गुजरती हैं, सैकड़ों। तो किसी किसी गाड़ी का कोई पोल्यूशन आपको नज़र आ रहा हो, कुछ ऐसा मसला हो, यही वजह है कि यहाँ पे लोग बहुत सेहतमंद रहते हैं, बीमार नहीं होते। ये देखें लगातार गाड़ियाँ आ रही हैं भाई, ये हम रोड की साइड के ऊपर चल रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं इटली यूरोप के रोडों का माहौल। ये देखें जी फुटपाथ है, और यहाँ पर अगर हम चल रहे हैं तो कोई गाड़ी हमसे पहले क्रॉस नहीं कर सकती, हम गुजरेंगे तो फिर ही वो जाएगी। देखिए कितने प्यारे कवानीन हैं यहाँ के, कितने अच्छे रूल हैं, रेगुलेशन है, बहुत ज़बरदस्त है यार, बहुत ज़बरदस्त नज़ारे हैं। ये देखिए जी बस आ गई है, ये बस जा रही है जी, ये शहर की बस है जो गुजरती है और लोगों को यहाँ पर ड्रॉप करती है, फिर लेके भी जाती है। और ये देखिए दोस्तों, इस साइड के ऊपर ये पिज़्ज़ा शॉप है जी, ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ की पिज़्ज़ा शॉप है, और यहाँ से लोग अक्सर पिज़्ज़ा खाते हैं। देखें ये इसी शहर और इसी गांव के अंदर बैंक भी हैं, अगर आपका बैंक है यहाँ पर, आप बैंक से भी कोई चीज़ लेना चाह रहे हैं, उस घर लेना चाह रहे हैं, कोई भी चीज़, वो भी आप यहाँ पर ही कर सकते हैं। मतलब एक छोटा सा गांव है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा घर होंगे, 30 से 40 घर होंगे, और एक छोटे से गाँव के अंदर ही आपको ये देखें नज़र आ रहा सब कुछ, कि हर चीज़ यहाँ पर प्रोवाइड करने की ये जो गवर्नमेंट है कोशिश कर रही है। अभी शहर की जो मेन एक जगह है, एक मेन प्लेस है, छोटी सी जगह है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। मैं आपको अभी ना इस गांव की एक छोटी सी प्लेस है जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं, ये पहले तो इतनी ज़्यादा अपडेट नहीं थी, लेकिन अभी इसको अपडेट किया गया है इस जगह को। और यहाँ पर देखें आप, देखेंगे अगर ये खुली हुई जगह, तो यहाँ पर कॉफ़ी शॉप बनाई गई है, साथ में एक छोटी सी हैंडबॉल गेम रखी गई है, अगर आप हैंडबॉल गेम खेलना चाहते हैं वो भी है साथ में। और इसके साथ साथ आप वहाँ पे कॉफ़ी पीना चाह रहे हैं, पिज़्ज़ा खाना चाह रहे हैं, तो दोस्तों ये है हमारे शहर की फूलों वाली दुकान, ये बिल्कुल हमारे बिल्कुल करीब है और बिल्कुल साथ ही है कि अगर मैं फूल खरीदना चाहूँ तो यहाँ से फूल भी खरीद सकता हूँ। दोस्त लोग यहाँ पर एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, वीकेंड के ऊपर फूलों का गुलदस्ता लेकर जाते हैं और अपनी फैमिलीज़ को देते हैं फूलों का। ये एक साइड पे है, ये स्कूल है, छोटा सा स्कूल, ये पीछे स्कूल है बच्चों का,
यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं स्कूल, और बड़ा अच्छा निज़ाम है भाई। एक छोटे से गांव के अंदर ये सब कुछ है। और ये मेरे पीछे जो घर है, ये मुस्लिम लोगों का घर है। किसी भी इटली के शहर में चले जाएं, छोटे से छोटे गांव के अंदर चले जाएं, आपको वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी ज़रूर मिलेगी। और जहाँ पर भी अरबी होते हैं, मैंने ये चीज़ देखी है कि वहाँ पर ये लोग कोशिश करते हैं कि हमें मस्जिद बनाने की इजाज़त मिल जाए, हम मस्जिद बना सकें और यहाँ पर अपने दीन के मुताबिक चल सकें और सब मिल के रह सकें। और अब हम आ चुके हैं शहर की मेन प्लेस के ऊपर, मेन जगह जिसको चंत्रो भी बोलते हैं। शहर तो नहीं है ये, गांव है, तो फिर भी इन्होंने माहौल इतना ज़बरदस्त रखा हुआ है कि आप ये देखेंगे कि भाई इस गांव के अंदर इन लोगों ने इतनी खूबसूरती और मेहनत के साथ इस गांव को इतना ज़बरदस्त करके बना दिया है कि देखने वाले भी भाई हैरान है कि यार क्या ही बात है, क्या ही बात है। ये है जी इस शहर की मेन प्लेस, और ये पीछे है बहुत बड़ी काफ़ी शॉप। तो यहाँ से हम अभी काफ़ी पियेंगे, काफ़ी भी पीते हैं, और मैं आपको यहाँ पर कुछ माहौल भी दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले ये देख रहे हैं, ये काफ़ी बार भी है, पिज़्ज़ा भी है, और इसके साथ साथ वो पीछे बिलेट भी पड़ा हुआ है, बिलेट भी यहाँ पर है। और ये इसकी मेन प्लेस है भाई, आप ये देख रहे हैं अपनी आँखों से, ये मेन प्लेस है सारी। दोस्तों ये फार्मेसी है यहाँ पर, जिसे कहते हैं मेडिकल स्टोर। अगर आप कोई भी चीज़ बाय करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। और ये इसका मेन घर है जिसे चंत्रो बोलते हैं, मेन प्लेस है। ये देखें, ये है मेन प्लेस। इस मेन प्लेस के ऊपर मैं खड़ा हूँ, और ये इस छोटे से गांव की मेन प्लेस है कि यहाँ पर कोई भी फंक्शन होगा, कोई भी प्रोग्राम होगा, तो इस जगह के ऊपर होगा। और ये इनका चर्च है, ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है चर्च।